वहीं नानीवाड़ा से मेजरपाल सिंह देवल की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के महाराणा प्रताप चौक में विधायक नारायण सिंह देवल की उपस्थिति में शहीद स्मारक की तस्वीर के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर कैनवास जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही हमले में घायल हुए जवानों को जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। इस दौरान विधायक नारायण सिंह देवल ने कहा कि यह हमारे देश और शहीद हुए सभी सैनिकों के परिजनों के लिए बेहद दुखद घटना है। देवल ने शहीदों के परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति देने की परमात्मा से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए भारत सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर